हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू IFS ऑनलाइन। आप सभी का यूट्यूब के BSA चैनल पे स्वागत है। तो आज हम बेंजिलिक एसिड जो नेम रिएक्शन है वो डिस्कस करने वाले हैं। जैसे नेम रिएक्शन कंप्लीट होती है उसके बाद हम पिनाकोलन रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है, ऑलमोस्ट ऑल जो यूनिवर्सिटी सिलेबस है उस यूनिवर्सिटी के BSc के सिलेबस में नेम रिएक्शन के टॉपिक में बेंजिलिक एसिड नेम रिएक्शन एंड पिनाकोलन रीअरेंजमेंट रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। उसमें से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट रिएक्शन। और BSc के लिए ही नहीं, अगर आप फर्दर स्टडी MSc में एडमिशन लेते हो तो MSc में भी बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट रिएक्शन आपको देखने के मिलेगी। इवन अभी आप रिसेंटली नेट का पेपर देखोगे तो 4 मार्क में बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट रिएक्शन पे क्वेश्चन आया है CSIR नेट में। तो इसका मतलब है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन है इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। तो सबसे पहले हम उसका स्टेटमेंट देखते हैं, बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट मीन्स व्हाट। तो सबसे पहले इट इज़ एन बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन, बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन है मतलब बेसिक कंडीशन में रिएक्शन होगी, इन विच 1,2-diketones इज रिएक्टेड विथ बेस। इस रिएक्शन में 1,2-dicarbonyl कंपाउंड या फिर 1,2-diketone रिएक्ट्स विथ बेस एंड देन फॉर्मेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब अल्फा पोजिशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो हमारा जो रिएक्शन है, रिएक्शन में आपको देखने को मिलेगा इट इज एन बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन इन विच 1,2-dicarbonyl कंपाउंड और डाइकीटोन इज रिएक्टेड विथ अ बेस लाइक NaOH, KOH एंड फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन फॉर्मेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड पे हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है। इसकी जनरल रिएक्शन देखते हैं। जनरल रिएक्शन में आपको देखने को मिलेगा 1 और 2 के बीच में मैंने डाइकार्बोनिल कंपाउंड लिखा है, 1,2-dicarbonyl कंपाउंड, इसे मैं नंबरिंग देता हूँ 1 और 2। 1 और 2 के बीच में या फिर 1 और 2 पे मेरे 2 कार्बोनिल ग्रुप है कनेक्टेड विथ फिनिल रिंग, तो इसे हम बोलेंगे 1,2-dicarbonyl कीटोन रिएक्ट्स विथ NaOH। NaOH एक्ट एज अ बेस एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल एंड देन फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कार्बोनिल की नेक्स्ट पोजीशन जो रहती है उसे हम अल्फा पोजीशन बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब एक ही कार्बन पे मेरा हाइड्रोक्सी ग्रुप एज वेल एज एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। जिसे मैंने स्टार किया है उस कार्बन पे मेरा हाइड्रोक्सी एज वेल एज एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, डिटेल में हम इसका डिस्कशन लेंगे, इसके लिए हमें उसका मैकेनिज्म जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम मैकेनिज्म से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले तो जैसे कि हमने देखा मैकेनिज्म से पहले स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, 1,2-dicarbonyl कंपाउंड, मतलब 1,2-dicarbonyl कंपाउंड की रिएक्शन अगर मैं NaOH के साथ करता हूँ तो Na+OH-, NaOH के मैंने क्या किया है क्लिविज किया है तो Na पे प्लस चार्ज आएगा, OH पे माइनस चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। निगेटिव चार्ज स्पेसिस मतलब न्यूक्लियोफाइल, तो ये कहाँ पे अटैक करेगा, कार्बोनिल पे अटैक करेगा। कार्बोनिल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है तो उस पर अटैक करते ही मेरा बॉन्ड का जो है ओपनिंग होगा, पाई बॉन्ड ओपनिंग होके जो निगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट होगा। जैसे ही निगेटिव चार्ज शिफ्ट होता है तो फॉर्मेशन ऑफ PHC OO-, यहाँ पे मेरा ऑलरेडी प्रेजेंट जो था वो PH ग्रुप है और अटैक किया है मैंने उस कार्बन पे OH का। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा OH का अटैक हुआ, यहाँ पे OH आ गए। अब ये फर्स्ट स्टेप होगी, फर्स्ट स्टेप में जो इंटरमीडिएट मिला उसकी फर्दर जो स्टेप है वो क्या होगी, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। मतलब क्या होगा, ये ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आया है वो नीचे आएगा, मतलब
वो कार्बोनिल की ओर या फिर कार्बन की ओर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे शिफ्ट होता है तो कार्बन की वैलेंसी चार होती है। अगर मैंने कार्बोनिल का डबल बॉन्ड लगाया तो वहाँ पे पांच बॉन्ड फॉर्म हो गए, तो वहाँ पे क्या होगा, फिनिल ग्रुप जो है मेरा पीएच ग्रुप माइग्रेट होके कार्बोनिल पे अटैक करेगा, मतलब क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ पीएच ओ माइनस, यहाँ पे मेरा अनादर पीएच मॉलिक्यूल ने अटैक किया और यहाँ पे इस साइड सी डबल बॉन्ड ओ ओएच का फॉर्मेशन। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, पीएच ओ माइनस उसी कार्बन पे मेरा पीएच ग्रुप है और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ ओएच, ठीक है। ये मेरा क्या हुआ है, सेम मैंने थोड़ा सा उसे रीअरेंज करके लिखा है ताकि आपको एग्जांपल सॉल्व करने में या फिर आंसर प्रिडिक्ट करने में आसानी हो, ठीक है। ए फॉर्म हुआ, उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद जो है फर्दर स्टेप में हमारा क्या होगा, फर्दर स्टेप में आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे बेसिक OH O- बना है, तो यहाँ पे एसिडिक प्रोटॉन मेरा कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड पे प्रेजेंट जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक इन नेचर रहेगा। एसिड का काम ही तो होता है कि वो H+ को डोनेट करता है, तो ऑक्सीजन जो है माइनस जो बना है वो यहाँ से प्रोटॉन पिक कर लेगा और O- फर्दर फॉर्मेशन होगा। जैसे O- फॉर्मेशन होता है तो मेरे पास जो मॉलिक्यूल बनेगा वो मॉलिक्यूल कैसे होगा, पीएच या पे ओएच सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस, और नेक्स्ट स्टेप में मैं उसका अगर एसिडिक वर्कअप करता हूँ मतलब एच प्लस आयन, नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या थी, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आपको जनरल रिएक्शन में दिखाई देगी, एच प्लस लिखा है मैंने, मतलब एसिडिक, अगर मैं उसके एसिडिक वर्कअप करता हूँ तो एच प्लस जो है वो माइनस एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, जैसे एच प्लस एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा वहाँ पे ओ एच का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे ओ एच फॉर्मेशन होता है तो मेरा जो प्रोडक्ट था डिजायर प्रोडक्ट पी एच अटैच टू कार्बन कंटेनिंग ओ एच सी ओ एच एंड पी एच ग्रुप, ठीक है। इसका मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब अल्फा पोजीशन पे मेरा क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, सॉरी अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड को कंसिडर किया है। तो इस ये हमारा प्रोडक्ट था, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, दोनों पी एच रिंग जो है वो खोल के लिख सकते हैं, व्हाट इज मीन बाय पी एच, पी एच मीन्स बेंजीन रिंग, मतलब ये हमारा क्या होगा, डिजायर प्रोडक्ट रहे, ठीक है। यहाँ पे जिस कार्बन पे OH प्रेजेंट है उसी कार्बन पे मेरा एसिड प्रेजेंट रहेगा और ये मेरा फॉर्मेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। एक रिएक्शन हम इसका एग्जांपल डिस्कस करेंगे, जैसे आपको एग्जांपल डिस्कस करने के लिए दिया जाएगा तो आपको उसका बेटर आइडिया आ जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम उसका एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एग्जांपल में देखो मैं क्या कर रहा हूँ, वन टू डाइकार्बोनिल कंपाउंड, वन टू डाइकार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन कर रहा हूँ। वन टू डाइकार्बोनिल कंपाउंड है मेरा क्या है, स्टार्टिंग मटेरियल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा रिंग प्रेजेंट है, एग्जांपल के तौर पर हम लिखते हैं, तो यहाँ पे मेरा कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है और उसी के नेक्स्ट पोजिशन पर मेरा क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है। इसकी रिएक्शन में अगर NaOH के साथ करता हूँ तो जैसे कि हमने बोला क्या है, वन टू डाइकार्बोनिल कंपाउंड प्रेजेंट है, तो हमारे पास OH- और Na+ है, तो OH- का अटैक कहाँ पे होगा, दोनों में से एक कार्बोनिल पे, दोनों सिमिलर है, ऑक्सीजन का बॉन्ड ओपन, जैसे ही बॉन्ड ओपनिंग होता है मेरे पास जो मॉइटी बनेगी वो मैं मॉइटी क्या रहेगी, कार्बोनिल ग्रुप, उसके नेक्स्ट में ओ माइनस और उसी कार्बन पे मेरा ओ एच अटैक हुआ। अब बताओ मुझे ये ओ माइनस क्या करेगा, डाउन साइड को आएगा, जैसे ही डाउन साइड को आता है तो ये रिंग वाला बॉन्ड क्लीव होके कहाँ पे अटैक करेगा,
कार्बोनिल ग्रुप पे। नेक्स्ट ए जो बॉन्ड है ओपनिंग होगा, मतलब फाइनली हमारा क्या हुआ, रिंग कॉन्ट्रैक्शन रिएक्शन, मतलब रिंग का जो है कॉन्ट्रैक्शन हुआ, इसका मतलब सिक्स मेंबर रिंग कन्वर्टेड इनटू फाइव मेंबर। ये जो सिक्स मेंबर रिंग थी वो फाइव मेंबर रिंग में कन्वर्ट हुई, उस पर ओ माइनस प्रेजेंट है, इस पर ओ माइनस, और इसी कार्बन पे सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। फर्दर क्या करेगा वो, ओ माइनस मेरा एसिडिक प्रोटॉन पिक कर लेगा, और यहाँ पे फाइव मेंबर रिंग उस पर ओ एच, और उसी पे मेरा सी ओ ओ एच, अगर मैं एसिडिक वर्कअप करता हूँ तो। इसका मतलब स्टार्टिंग मटेरियल में मेरे कार्बन कितने थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और प्रोडक्ट में भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब 6 कार्बन एज इट इज रहेगा, लेकिन 6 मेंबर रिंग कन्वर्टेड इनटू 5 मेंबर रिंग। ये है रिंग कॉन्ट्रैक्शन रिएक्शन, और इसे हम बोलेंगे बेंजील बेंजीलिक एसिड रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, बेंजील बेंजीलिक एसिड रीअरेंजमेंट रिएक्शन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन है। उसमें आपको एक ही कार्बन पे OH और एसिड ग्रुप मिलेंगे, इसे हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक कंपाउंड। अल्फा पोजीशन पे OH ग्रुप प्रेजेंट होना या फिर फॉर्म होना मस्ट है। ठीक है, तो ये एग्जांपल जो था वो नेट लेवल का एग्जांपल था, लेकिन कुछ डिफिकल्टी नहीं है। नेट में हमारे 4 मार्क का क्वेश्चन 2019 के क्वेश्चन पेपर में 4 मार्क में एक क्वेश्चन आया है जून में, आप देख सकते हो। तो नेट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन आपको बीएससी के सिलेबस में भी वो इंक्लूडेड है, इसका मतलब एमएससी में भी वो इंक्लूडेड रहेगा। तो मैंने जो सिलेक्शन की हुई दो रिएक्शन है वो नेट सेट गेट पेट या फिर बीएससी एमएससी सबके लिए बेनिफिशियल ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड कन्वर्टेड इनटू अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड और OH एक ही कार्बन पे आएंगे। ठीक है, हमने एक एग्जांपल भी डिस्कस किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखने वाले अनादर रिएक्शन, ये हमारी बेंजील बेंजीलिक एसिड रीअरेंजमेंट रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हुई। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है पिनाकोल पिनाकोलन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ऑर्गेनिक सिंथेसिस की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो यहाँ पे आप देखो क्या हो रहा है, तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट में दिखाई दे रहा कि स्टार्टिंग मटेरियल जो है 1,2 डायल रहेगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट पहले देखते हैं क्या है, पिनाकोल पिनाकोलन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। स्टेटमेंट में देखो, प्रोटिक एसिड रिएक्ट्स विथ वन टू डायोल, मतलब 1,2 डायोल के साथ प्रोटिक एसिड की अगर मैं रिएक्शन करता हूँ टू फॉर्म कार्बोनिल कंपाउंड इज नोन एज पिनाकोल पिनाकोलन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। मतलब पिनाकोल पिनाकोलन रीअरेंजमेंट रिएक्शन में स्टार्टिंग मटेरियल 1,2 डायोल होना मस्ट है। 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड वाली रिएक्शन जो है उसे हम बोलेंगे बेंजील बेंजीलिक एसिड रीअरेंजमेंट, और उसी के लिंक वाली मैंने रिएक्शन कंसिडर की है जिसका नाम है 1,2 डाई ऑल, मतलब 2 एच ग्रुप रहेंगे, उसकी रिएक्शन अगर हम प्रोटिक एसिड के साथ करते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड इज नोन एज पिनाकोल पिनाकोलन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। मतलब सिमिलर रिएक्शन है, एक में मैंने 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड लिया और यहाँ पे मैंने 1,2 डायोल लिए। मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जनरल रिएक्शन में 1,2 डायोल यहाँ पे मैंने लिखा है 1,2 डायोल टू कार्बोनिल कंपाउंड। तो जनरल रिएक्शन आपको दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पे, जैसे कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मेरा क्या है 1,2 डायोल है। 1,2 डायोल मतलब एक और दो नंबर के कार्बन पे मेरा क्या है OH ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे 1,2 डायोल, इसे मैं 1 नंबर देता हूँ। ठीक है, इसे मैं फर्स्ट और सेकेंड 1,2 डायोल रिएक्ट्स विथ एसिड, जो एसिड है वो क्या है प्रोटिक है, इसीलिए तो मैंने डाइल्यूटेड एसिड लिया है। तो
डाइल्यूटेड एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ये मेरा क्या है सिंपली मैकेनिज्म। तो ये भी हम इसका जनरल रिएक्शन के बाद मैकेनिज्म तो देखना है, अगर जब तक मैं मैकेनिज्म नहीं करता तब तक मुझे अच्छा नहीं लगता, जब तक उसका प्रूफ नहीं है तब तक वो मैं कंसिडर नहीं करता। तो मैकेनिज्म में देखते हैं, मैकेनिज्म में क्या है, मैकेनिज्म में स्टार्टिंग मटेरियल में मेरा क्या था 1,2-diol, यहाँ पे मैंने OH ग्रुप लिखा है, यहाँ पे मैंने OH ग्रुप, इसकी रिएक्शन में अगर एसिड के साथ करता हूँ H+, तो मेरे पास OH ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन की लोन पेयर एसिडिक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगी, मतलब प्रोटॉन पिक करेगी, जैसे ही प्रोटॉन पिक करते हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा वाटर, या फिर हम इसे बोल सकते हैं H2O, यहाँ पे फॉर्मेशन होने वाला क्या है H2O, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पे जैसे प्लस चार्ज आता है तो वाटर बनेगा, तो वाटर क्या करेगा यहाँ से लीव होगा, ऐसे क्या होगा वाटर लीव होगा, जैसे वाटर लीव होता है तो मेरे पास जो मॉइटी बनेगी वो क्या रहेगी OH, और इस कार्बन पे फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटायन, व्हाट इज मीन बाय कार्ब कैटायन, अ ट्राइवेलेंट स्पेसिस विच इज कैरीज पॉजिटिव चार्ज, ऐसी स्पेसिस जिसपे पॉजिटिव चार्ज है और तीन बॉन्ड है उसे हम क्या बोलेंगे कार्ब कैटायन, एंड कार्ब कैटायन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस, ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इलेक्ट्रॉन रिच कब हो सकता है कार्ब कैटायन, या फिर अगर उसकी डेफिशिएंसी दूर करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन पढ़े हैं, उसमें हमने देखा है रिएक्टिव इंटरमीडिएट वाला पार्ट, डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन, मेजोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, ये सब इफेक्ट हमने मेजोमेरिक या फिर रेजोनेंस इफेक्ट, ये सब हमने स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन में देखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जनरेशन ऑफ कार्ब कैटायन हुआ, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये ऑक्सीजन जो है ये बॉन्ड आगे चला जाएगा और यहाँ से मिथिल ग्रुप का क्या होगा माइग्रेशन, जैसे मिथिल ग्रुप माइग्रेट होता है तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म होगा, तो यहाँ पे एक मिथिल ग्रुप माइग्रेट हुआ है, तो मिथिल ग्रुप यहाँ से 1,2-shift, 1,2-methyl-shift, उसे हम बोलते हैं व्हाइट मोर शिफ्ट, आपने पढ़ा होगा, तो 1,2-methyl-shift ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाइट मोर शिफ्ट, 1,2-shift को ही हम क्या बोलेंगे व्हाइट मोर शिफ्ट, यहाँ से लॉस ऑफ माइनस H+ जो है यहाँ का वो क्या होगा लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो H+ लॉस होने के बाद हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, इजी रिएक्शन है 1,2-diol कन्वर्टेड इनटू कार्बोनिल, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम थोड़ा सा एग्जांपल रिंग वाला ही देखते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट लोग जो रहते हैं उनको रिंग से ज़्यादा प्यार रहता है, तो रिंग वाला एग्जांपल देखते हैं 1,2-dicarbonyl कंपाउंड वाला, 5 मेंबर वाली रिंग देखते हैं, तो मेरे पास 5 मेंबर वाले दो रिंग है, 5 मेंबर वाली दो रिंग है, ठीक है, वो कनेक्टेड विथ अ सिंगल बॉन्ड, उस पर एक OH है, और दूसरी 5 मेंबर वाली रिंग है उस पर भी मेरा OH ग्रुप। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1,2-diol है, 1 और 2 नंबर पे डायोल है, इसकी रिएक्शन मुझे किसके साथ करनी है, एसिडिक डाइल्यूट एसिड यूज किया मैंने, डाइल्यूट एसिड यूज किया तो ऑक्सीजन की लोन पेयर ऑक्सीजन की लोन पेयर हाइड्रोजन पे अटैक करेगी, जैसे अटैक करेगी फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होने के बाद मतलब यहाँ पे OH2, तो ऑक्सीजन ने तीन बॉन्ड किए तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आना मस्ट है, तो यहाँ से मेरा क्या होगा फर्दर स्टेप में, यहाँ पे मेरा क्या है OH है, तो यहाँ से मेरा वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा, जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता है तो यहाँ पे मेरा फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटायन, मतलब अगर आपको कोई पूछता है पिनाकोलर रिएक्शन में कौन सा इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, तो आपका आंसर पक्का होना चाहिए कि फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटायन, कार्ब कैटायन का यहाँ पे क्या हुआ है
फॉर्मेशन हुआ है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है। ठीक है, अब मुझे बताओ कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है मतलब कार्बोकैटायन मींस व्हाट, ये यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड बाहर जा रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल, और आपको पता है एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन का बनता है, और अगर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एटम लेके जा रहा है तो उस पर निगेटिव चार्ज आएगा और जो रिमेनिंग बचेगा उस पर पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल आपने SN1 SN2 रिएक्शन देखी होगी, तो SN1 रिएक्शन में टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड या क्लोराइड, टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ NaOH फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी अल्कोहल, ऐसा हमारे पास SN1 में हमने देखा था। तो ये ब्रोमीन ऐसा बॉन्ड लेके जा रहा है तब मुझे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन एंड Br- ऐसा हमारा मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ था, तब हमने बोला था इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ है। कार्बोकैटायन मींस ट्राइवेलेंट स्पेसिस विच इज कैरीज पॉजिटिव चार्ज, इट इज हाईली डेफिशिएंट स्पेसिस, और उसके पास 6 वैलेंट इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका मतलब उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है, इसका मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ से हमारा रिंग एक्सपांशन वाला प्रोडक्ट मिले, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा हाईलाइट किया हुआ जो कार्बन है वहाँ पे मैंने अगर ऑक्सीजन को लेकर गया या फिर डबल बॉन्ड फॉर्म किया तो वहाँ पे कार्बन 5 बॉन्ड कर रहा है, तो कार्बन अगर 5 बॉन्ड कर रहा है तो हम पाप कर रहे हैं, कार्बन 4 ही बॉन्ड करेगा क्योंकि उसके पास वैलेंसी 4 है, तो कार्बन 4 बॉन्ड करेगा, इसका मतलब ये जो है एक बॉन्ड क्लीव होके नेक्स्ट रिंग का एक्सपांशन होगा। मैं थोड़ा सा आपको समझने के लिए थोड़ा सा मैं जैसी मोइटी है उसी टाइप से लिखता हूँ, और फर्दर उसका जो है यहाँ पे मेरा कार्बोनिल बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, ये यहाँ पे बॉन्ड है, ये फर्दर यहाँ पे बॉन्ड है, ये यहाँ पे बॉन्ड है, और ये जो बॉन्ड था वो क्लीव हुआ है, अगर ज्वाइन करता हूँ तो वहाँ पे 5 बॉन्ड हो गए, तो रिंग एक्सपांशन हो के मेरा यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मेंबर रिंग, तो 5 मेंबर रिंग कन्वर्टेड इनटू 6 मेंबर, और यहाँ पे 5 मेंबर 1 एज इट इज, एक 5 मेंबर रिंग बनेगी और एक 6 मेंबर, और नियर टू स्पायरो कंपाउंड नेक्स्ट टू द स्पायरो कार्बन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिल, मतलब यहाँ पे एक नंबर है, यहाँ पे 2 नंबर, 3, 4, 5 और 6 नंबर पे कार्बोनिल ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ। तो सिमिलर रिएक्शन थी, एक में 1,2-diol था उसमें मैंने रिंग एक्सपांशन करके दिखाई, और एक मेरा 1,2-dicarbonyl कंपाउंड था उसमें मैंने रिंग कॉन्ट्रैक्शन करके दिखाई, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट में मैंने 6 मेंबर रिंग कन्वर्टेड इनटू 5 मेंबर रिंग, और एक ही कार्बन पे मेरा एसिड एज वेल एज अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट था, लेकिन जो मैंने स्पिनाकोल पिनाकोलन रीअरेंजमेंट में किया फॉर्मेशन ऑफ स्पायरो कंपाउंड, व्हाट इज मीन बाय स्पायरो, यहाँ पे एक कार्बन ऐसा है कि वहाँ पे 4 सब्स्टिट्यूएंट 2 रिंग कनेक्ट है, तो उसे हम स्पायरो कंपाउंड बोलते हैं, तो स्पायरो कंपाउंड का जनरेशन किया, और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने रिंग एक्सपांशन की है। ठीक है, तो ये रिंग एक्सपांशन वाला एग्जाम्पल था, तो यहाँ पे हमारा पिनाकोल पिनाकोलन रीअरेंजमेंट रिएक्शन वाला पार्ट कंप्लीट होता है। आपके नेट सेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, तो ये आपको बेनिफिशियल मार्क मिलने वाली रिएक्शन है। ठीक है, तो पिनाकोल पिनाकोलन रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी हमने अच्छे से देखी है, और बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट भी हमने अच्छी से देखी है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन मिलते रहे वीडियोस के तो आप बेल आइकन को भी दबा सकते हो। ठीक है, तो ये जो था ओवरऑल बीएससी के सिलेबस में है, एमएससी के सिलेबस में, और अगर बात की तो नेट में प्रीवियस ईयर 2019 के जून पेपर में सी पार्ट में 4 मार्क का पिनाकोल बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट पे क्वेश्चन आया है, क्लेडन स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक का क्वेश्चन है, तो ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन थी, इसीलिए आपको अगर ये रिएक्शन पता होगी तो आपके हाथ के 5 मार्क नेट में मिलेंगे,
और बीएससी के लिए तो थेरोटिकल पार्ट में आपको लिखने में आसानी हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको ऐसे वीडियो मिलते रहे इसके लिए आपको बेल आइकन को दबाना है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।